आम का पेड़। कुंतारपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलतावश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हो? वृद्ध ने धीरे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल जाएंगे, तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा के आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज में आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है, दूसरों के लगाए पेड़ों को कितने फल खाए हैं, अपने जिंदगी में कितने तो ऐसे काम किए हैं। उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उसके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं वह तो स्वार्थी वृत्ति के रहते हैं। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था।